आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब काफी खास हुई क्योंकि इसमें अच्छी सैलरी के साथ काफी कुछ सीखने को मिलता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कैसे बने या सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, तो इसकी सारी जानकारी हम विस्तार में आगे बताएंगे। तो पहले अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं और व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते समय आपने उनमें कई सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे। आपके दिमाग में भी कभी कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि यह सॉफ्टवेयर कौन बनाता है। इसी सवाल के जवाब के साथ आज हम आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में जानकारी लाए हैं। आज इस वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, इन सभी के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जो कंप्यूटर, लैपटॉप आदि क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी बनाता है जिसका यूज करके हम अपने काम बड़ी आसानी से कर पाते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करना होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बने, इसके लिए भी आप इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। तो आप जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुख्य काम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के लिए ऐप्स और प्रोग्राम बनाना है। जब भी इन चीज़ों में कोई नई ऐप या प्रोग्राम आता है तो उसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा ही बनाया जाता है और उसमें कोई समस्या आने पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही उसे ठीक कर लेता है, क्योंकि इनमें जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है किया जाता है उन्हें हर कोई नहीं समझ पाता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। किसी भी फील्ड में इंजीनियर बनने के सीधा सा मतलब है कि आपको उस फील्ड में काम करना पसंद है। और बात करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि टेक्नोलॉजी में रुचि होना चाहिए। ये स्किल आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में मदद करेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनने में जैसे लैंग्वेज या यूज होता है उन लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी नहीं बन पाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्स में आपको वो सभी लैंग्वेज सिखाई जाती है जो नीचे हम बता रहे हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गया, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गया, मतलब हो गया, .NET हो गया, जावा हो गया, SQL हो गया, रूबी हो गया और पाइथन हो गया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने और इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने के लिए आपको 12th क्लास में पास होना होगा, वो भी 50% अंक के साथ, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय भी शामिल होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। हम आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के कोर्स और कुछ यूनिवर्सिटी के नाम बता रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स इस प्रकार के, जैसे कि बीटेक हो गया और आपकी बीसीए हो गया, बीएससी जो कि बैचलर ऑफ साइंस हो गया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो कि आपकी कंप्यूटर साइंस में आता है। उसके बाद जानेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वो देवी अहल्या यूनिवर्सिटी इंदौर हो गया, आपकी नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में हो गया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जहाँ दिल्ली में है, और बेंगलुरु में द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस। तो इसके अलावा देश के सभी राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी कॉलेज में प्रवेश के लिए कई एग्जाम करवाई जाती है, जैसे कि आपकी जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया, बिटसेट हो गया, AEEE हो गया और भीट ट्रिपुली, सो सभी नेशनल लेवल की परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं को पास करके आप एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पर कर सकते हैं और हर साल ये एग्जाम आयोजित करवाई जाती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आप कार्य के बारे में जानते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुख्य कार्य क्या होता है, ना प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, कंप्यूटर लैपटॉप के सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना, एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस करना, मोबाइल ऐप बनाना आदि कार्य शामिल है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कई ऐप्स प्रोग्राम्स बनाने से लेकर उनमें कई समस्या आने पर उन्हें ठीक करने का भी कार्य करता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी सबसे ज़्यादा उसके अनुभव पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा अनुभव होगा उसकी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। शुरुआती समय में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फ्रेशर के रूप में 15,000 से लेकर 20,000 तक मिल सकती है और अनुभव के साथ साथ उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बुक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाजार में कई बुक्स उपलब्ध है, लेकिन आज हम आपको कुछ टॉप बुक्स के बारे में बताएंगे जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में मदद करेगा। वो होगा सॉफ्टवेयर डिजाइन एक्सरेज, ए फिलोसॉफी ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, डिजाइनिंग डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, डेवलप फॉर हेगेमोनी एंड द मैनेजर्स पाथ। अरे अब जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने में जा रहे हैं तो आपको इसके कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे यह कोर्स 4 साल का होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले सभी विद्यार्थियों को पहले साल में
जैसे विषय ही पढ़ा जाता है, एक जैसे विषय ही उनको पढ़ा जाता है। इसका फायदा यह है कि इससे विद्यार्थी को सभी बेसिक जानकारी प्रथम वर्ष में ही प्राप्त हो जाते हैं, जो सभी कोर्स में एक समान होता है। तो आइए जानते हैं अब उन बेसिक विषय के, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, आपका प्रोग्राम डिजाइन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, प्रोफेशनल अवेयरनेस हो गया, इंट्रोडक्शन फॉर कंप्यूटिंग हो गया, एकेडमिक स्किल्स फॉर कंप्यूटिंग हो गया, मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटिंग हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब्स। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं है, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए। एक अच्छी जॉब के लिए आपको कोर्स खत्म होने के बाद अच्छी कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए आवेदन करना चाहिए। उससे यह होगा कि आपको सॉफ्टवेयर बनने के तरीके पता चलेंगे और आपको सभी लैंग्वेज को समझना और यूज करना भी आसानी होगी, मतलब आपको सॉफ्टवेयर बनने का अनुभव भी हो जाएगा। बस आप आपको कंपनी में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और आपके अनुभव के हिसाब से आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, भविष्य में अच्छी नौकरी के लिए हर कोई आज इंजीनियर, डॉक्टर आदि को ही पढ़ाई करते, जिससे वो आगे जाकर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके और अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। इसी के चलते आज हमने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बनने का जानकारी प्रदान की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको इंजीनियर की पूरी पढ़ाई करनी होती है और उसके साथ साथ आपकी गणित और अंग्रेजी में भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैचलर कोर्स करने के बाद आप उससे मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको जानकारी लगी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।